दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है अद्भुत टीम इंडिया में। दोस्तों ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो वीडियो हमने बनाया था उसकी कमेंट सेक्शन में उन्होंने कहा था कि नैना देवी मंदिर के ऊपर एक वीडियो बनाइए। नैना देवी मंदिर जो कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है, पहाड़ों पर बसा है ये मंदिर। मैंने इस मंदिर के दर्शन किए हैं बहुत ही छोटे में, जब मैं पंजाब गया था तो वहाँ मैंने नैना देवी के दर्शन किए थे और मुझे नहीं पता था कि मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं नैना देवी मंदिर के ऊपर एक वीडियो बना के आप सभी को इसकी जानकारी दूं। दोस्तों ये 51 शक्तिपीठों में से एक है, यहाँ माता सती के नैन गिरे थे और बहुत सारे प्रचलित मान्यताएं और रहस्यमय बातें इस धाम को लेकर। तो दोस्तों अगर आप एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश या पंजाब जाने का, तो वहाँ पर आप नैना देवी धाम के दर्शन जरूर कर सकते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ वो एक दैवीय स्थल है, आसपास भी बहुत से रहस्यमय जगह है, गुफा है, तालाब है, कुंड है और बहुत सारी चीज़ें आसपास घूमने की जगह है। उन सारी जगहों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे और आपको ये बताएंगे कि अगर नैना देवी धाम जाते ही घूमने के लिए तो आसपास कौन से दर्शनीय स्थल है, आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, आप कहाँ ठहर सकते हैं, मंदिर में दर्शन की जितने भी समय तालिका से लेकर हर चीज़ आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल अद्भुत टीवी इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं आशा करता हूँ मेरी सपोर्ट के लिए जो कि मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके लिए मुझे बहुत सारे लाइक मिलेंगे और हम आगे इस तरह से बढ़ते रहेंगे अद्भुत टीवी इंडिया के साथ। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। श्री नैना देवी मंदिर जो 51 शक्तिपीठों में से एक है जहां सती के अंग पृथ्वी पर गिरे थे। ये मंदिर 1177 मीटर की ऊंचाई पर जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस मंदिर से जुड़ी कई पौराणिक कहानियां हैं जो मंदिर की स्थापना के साथ जुड़ी है। एक पौराणिक कथा के अनुसार देवी सती ने खुद को यज्ञ में जिंदा जला दिया था, जिससे भगवान शिव व्यथित हो गए। उन्होंने सती के शव को कंधे पर उठाया और तांडव नृत्य शुरू कर दिया। इससे स्वर्ग के सभी देवता भयभीत हो गए क्योंकि भगवान शिव का ये रूप प्रलय ला सकता था। सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और इसके निवारण के लिए प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने हालात की गंभीरता को देखते हुए अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए जो पृथ्वी के 51 जगहों पर गिरे और वो जगह शक्तिपीठ कहलाए। श्री नैना देवी मंदिर वो जगह है जहां माता सती की आंख गिरी थी। मंदिर से संबंधित एक अन्य कहानी नैना नाम के गुज्जर लड़के की है। एक बार वो अपने मवेशियों को चराने गया और देखा कि एक सफेद गाय अपने थनों से एक पत्थर पर दूध बरसा रही है। उसने अगले कई दिनों तक इस घटना को घटते हुए देखा। एक रात जब वो सो रहा था तब उसने देवी माँ को सपने में ये कहते हुए देखा कि वो पत्थर उनकी पिंडी है। नैना ने पूरी स्थिति और उसके सपने के बारे में राजा बीरचंद को बताया। जब राजा ने देखा कि ये वास्तव में हो रहा है तो उसने उसी स्थान पर श्री नैना देवी नाम के मंदिर का निर्माण करवाया। श्री नैना देवी मंदिर महिषपीठ के नाम से भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर श्री नैना देवी जी ने महिषासुर का वध किया था। आप सभी को ये जानकर हैरानी होगी कि नैना देवी मंदिर में आने वाले भक्तों में से 60% भक्त सिख होते हैं। अब इसके पीछे भी एक मान्यता है जो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी से जुड़ी है। कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ माता की तपस्या की थी। मान्यता है कि तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भवानी ने स्वयं प्रकट होकर गुरु गोविंद सिंह जी को प्रसाद रूप में एक तलवार भेंट की और गुरु जी को वरदान दिया था कि तुम्हारी विजय होगी और इस धरती पर तुम्हारा पंथ सदैव चलता रहेगा। माँ का आशीर्वाद पाकर उन्होंने मुगलों को पराजित किया था। हवन आदि के बाद जब गुरुजी आनंदपुर साहिब की ओर जाने लगे तो उन्होंने अपनी तीर की नोक से तांबे की एक प्लेट पर अपने पुरोहित को हुक्मनामा लिखकर दिया था जो आज भी नैना देवी के पंडितों के पास सुरक्षित है। माता नैना देवी मंदिर के प्रांगण के आगे एक सैकड़ों वर्ष पुराना पीपल का पेड़ है जिसके बारे में अनेकों दंत कथाएं प्रचलित है, जिनमें से एक ये भी है कि अनेकों अवसरों पर इस पीपल के हरे पत्ते पर ज्योति जलती दिखाई देती है। माता नैना देवी के भवन के अंदर 3 मूर्तियां हैं जो दर्शनीय है। विशेषता उस अंदर वाली मूर्ति की मानी जाती है जिसके मात्र 2 नयन ही दिखाई देते हैं। मंदिर के साथ ही एक हवन कुंड भी बना हुआ है जिसकी विशेषता ये है कि इसमें डाली गई सारी सामग्री जलकर उसके बीच में समा जाती है। अब यहाँ जमी टनों भस्म कहा जाती है
ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। भवन से कुछ ही दूर पर एक प्राचीन गुफा भी है, श्रद्धालु जन उसके भी श्रद्धा भाव से दर्शन करते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो नैना देवी मंदिर के बारे में, हमें एक मिनट, आजकल खांसते छींकते हुए डर लगता है, पता नहीं कि कोरोना वायरस तो नहीं हो गया मुझे। चलिए जोक्स पार्ट, तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको नैना देवी धाम के बारे में और भी कुछ विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपको क्या जानना है। आपको सारी जानकारियां कमेंट के माध्यम से या हमारे फेसबुक पेज पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो और मेरा ये एफर्ट वीडियो बनाने का आप सभी को अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल अद्भुत टीवी इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूँ आप सभी से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।